शिवाय नमस्तु। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतीक कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंडे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छींटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छींटूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूंगी। तुलसी का दल। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में दो बार या तीन बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर। अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशुभ सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उतने से मन को आनंद की अनुभूति हो। आज भी कर देख लेना और पत्र लिख कर भेज देना, 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई। किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। केवल एक कार्तिक का महीना एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में, इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय, अति प्रिय। कई लोगों की आदत एक साथ रहे। शिवजी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि 9 नवंबर को एकादशी कब से स्टार्ट होगी। तो 9 नवंबर को एकादशी जो रमा एकादशी का व्रत है वो सुबह 8:23 पर शुरू होगा और 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। जैसे कि उदया तिथि में होने के कारण रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा पारण, क्योंकि पारण का जो समय होता है वो 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:50 के बीच रहेगा। तो पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि रमा एकादशी सब लोग 9 नवंबर को ही रखें, क्योंकि वही तिथि अच्छी है। और जिसको भी अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, जिसके भी जीवन में बहुत समस्या आ रही हो, तो वो रमा एकादशी के दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताए अगर वो करते हैं तो उनके जीवन से समस्याएं ख़त्म हो जाती है और उन्हें हमेशा सफलता ही सफलता मिलती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो क्या उपाय है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि हम लोग रमा एकादशी के दिन जब भी सुबह उठ के स्नान करें तो हम लोगों के पानी में 1 चम्मच हल्दी या आप लोग चुटकी भर भी हल्दी डाल सकते हो। ऐसा करने से अगर हम हल्दी डालने का जो उपाय करते हैं वो हमारे जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण
लोग कोशिश करिएगा कि जब भी स्नान करो तो आप उसमें एक चम्मच हल्दी डाल दीजिए, और कोशिश करिएगा कि गुरुवार के दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला कलर बहुत पसंद होता है। तो कोशिश करिएगा कि गुरुवार के दिन आप अधिकतर पीले कपड़े पहने। दोस्तों, आप लोगों को रमा एकादशी पे जो उपाय करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक पात्र में हल्दी ले लीजिएगा, और जो काली तिल होती है वो ले लीजिएगा, और एक मिट्टी का दिया, साथ में घी, और एक लंबी बत्ती वाली बाती लेना है, और एक तांबे के लोटे में जल लेना है। तो आप लोगों को ये उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे करना है, और आपको ये उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे करना है, और आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे करना है जो आपसे बहुत ऊंचाई में, मतलब आपको, आप अगर उसके नीचे खड़े होते हो तो वो आपको हमेशा छाया देता हो, ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत छोटा हो, उसके नीचे करना है। और कोशिश करना है कि पीपल का वृक्ष किसी भी मंदिर में हो जहाँ आप ये उपाय कर सकें। ने जो 2 चम्मच घी लिया है, उसमें से 1 चम्मच को आप लोगों को हल्दी में मिला लेना है, और हल्दी में मिला के एक पेस्ट तैयार करना है। के बाद आपके दाहिने वाले हाथ की उंगली, आपकी जो अनामिका वाली जो उंगली है, उससे आपको पीपल के वृक्ष पे स्वास्तिक बनाना है। लोगों को पीपल के वृक्ष पे 3 स्वास्तिक बनाना होगा, और स्वास्तिक बनाते समय आपको ओम नमो नारायणाय नमः का मंत्र का जप करना होगा। और स्वास्तिक बनाने के बाद और ये मंत्र बोलने के बाद आपको आपका नाम और गोत्र का स्मरण कर लेना है, कि जो भी मनोकामना है आपको आपके मन में वो बोल देना है कि मेरे घर में जो भी समस्या है वो खत्म हो, या फिर आपकी जो भी मन की इच्छा हो, जो भी आप चाहते हो वो आप मांग सकते हो। फिर आप लोगों को जो आपने काली तिल ली थी उसको तांबे के लोटे के जल में डाल देना है, और अपने हाथ में लेके अपना नाम और गोत्र बोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए जो लोटे का जल है वो उसको आपके हाथों में लेकर, और पीपल के वृक्ष के 11 बार परिक्रमा कर, और जब भी आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करो तो आप यही बोलो कि मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो, मेरे घर में जितनी भी समस्या है वो सब खत्म हो, और मेरी